ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि आपको कुछ मनोरंजन से भरपूर, कुछ रोचक कहानियां तो दिखाएं, सुनाएं ही, साथ में कुछ काम की बात भी बताएं। तो हमारे हर्बल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दीपक आचार्य, जो अहमदाबाद में रहते हैं। वो आपको हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों से, पौधे फल फूल से जुड़ी जानकारी देंगे कि कैसे आप अपनी सेहत बेहतर कर सकते हैं, बेहतर दिख सकते हैं, बेहतर महसूस कर सकते हैं, बाहर से भी और मन से भी। देखते हैं आज डॉक्टर दीपक आचार्य हमको क्या जानकारी दे रहे हैं। शुक्रिया नीलेश जी। ढाक के तीन पात, ये कहावत तो सबने सुनी होगी, लेकिन ढाक किस पेड़ को कहते हैं उसके साथ में मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। ढाक के तीन पात यानी इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो तीन के भाग में होती हैं और तीनों पत्तियों का आकार एक जैसा होता है, इसलिए इस कहावत का उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों की खासियत बताऊँ कि इसकी पत्तियों में टैनिन नामक एक रसायन अब प्रचुर मात्रा से पाया जाता है और टैनिन का मुख्य जो कार्य है वो घावों को सुखाना है, यानी इसकी पत्तियों को कुचल कर घावों पर लगाया जाए तो घाव बड़े तेज़ी से सूखने लगते हैं। पलाश भी इसे कहा जाता है, टेसू के नाम से भी जाना जाता है इस पेड़ को। अक्सर होली के समय रंग बिरंगे नारंगी रंग के जो फूल जो दिखाई देते हैं इसी पेड़ पर होते हैं। इसकी छाल की बात करें या इसके फूलों की बात करें, उनमें ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इनको कुचल कर या काढ़ा बनाकर जहाँ पर संक्रमण हुआ हो शरीर पर, त्वचा पे, उसे लगाया जाए तो काफ़ी तेज़ी से इसमें आराम मिलता है। इसके अलावा इसके फूलों को या उसकी छाल को पानी में उबाला जाए और लगभग एक बाल्टी पानी को उबालने के बाद में उस पानी को ठंडा होने के बाद उससे स्नान किया जाए तो माना जाता है कि शरीर में किसी भी तरह के घाव हो, संक्रमण हो या किसी भी तरह की कोई समस्या हो बाहरी तौर पर, उसमें तेज़ी से आराम होता है और वो जल्दी रोगी इस समस्या से निजात पा लेता है। तो उम्मीद है ये जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। अगले बार किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक महिला से मिलाऊंगा, शबीला बानो। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है।